कक्षा संस्कृत पाठ का नाम है रामदास की भक्ति। संस्कृत पठ्यक्रम में रामदास की भक्ति जिसमें आठवां श्लोक कल पढ़ाए थे, बताए थे कि राम जो है कैकेयी से कहे कि मैं पिता को संतुष्ट किए बिना, उनके वचन को माने बिना मुहूर्त भर भी जीने की इच्छा नहीं करता। मुहूर्त भर मैंने दो घड़ी भी जीने की इच्छा नहीं करता, ये बताए थे आठवें श्लोक। अब नवां श्लोक है कि यतो मूलम नरक पश्चेत प्रादुर्भाव ही आत्मा। यानी राम फिर कह रहे हैं कैकेयी से कि हे माता, यतो मूलम नरक पश्चेत प्रादुर्भाव ही आत्मा। प्रादुर्भाव में उत्पन्न होना, आत्मा माने अपना, ये माने इस संसार में प्रादुर्भावम ही ई आत्मा। यानी जिसको मनुष्य इस संसार में अपने उत्पन्न होने का कारण मानते हैं, यानी संसार में अपने उत्पन्न होने का कारण पिता ही होता है, तो ही राम कहते हैं कि हे माता, जिसे ये माने संसार में लोग अपने उत्पन्न होने का कारण जानते हैं, तो कथम तस्मिन् न प्रवर्तते प्रत्यक्ष सती दैव। तो कहते हैं कि कथम तस्मिन् प्रत्यक्ष दैवते सती, तो कैसे वे प्रत्यक्ष देवता नहीं, यानी वे प्रत्यक्ष देवता है जो अपने उत्पन्न होने का कारण है, तो क्यों नहीं वे प्रत्यक्ष देवता है, अर्थात साक्षात वो देवता है और तस्मिन् न वर्तते, तो क्यों नहीं उनके और अनुकूल व्यवहार किया जाए, उनके अनुकूल बर्ताव किया जाए, जब वो अप्रत्यक्ष देवता के समान है तो क्यों नहीं उनके अनुसार उनके अनुकूल बर्ताव किया जाए, जैसे वो कहते हैं किया जाए। जब इतना राम कहे कैकेयी से, अब दसवां श्लोक है, एवं उक्ता तू कैकेयी राघवेन महात्मा। राघवेन महात्मा यानी महात्मा राम के द्वारा एवं उक्ता, ऐसा कहे जाने पर कैकेयी, क्या कही राघवेन महात्मा, महात्मा राघवेन एवं उक्ता, महात्मा राम के द्वारा ऐसा कहे जाने पर कैकेयी क्या करती है, वाच माने कही, इदम यह वचन माने वाणी, यह वाणी कही, कौन कह गई तो कह गई का विशेषण दिया है, सुनील लज्जा, सुनील लज्जा माने जिसमें लज्जा नहीं है, तो और झिठाई के साथ आत्महित वचन माने अपने हित की बात, तो हो गया कि ऐसा कहे जाने पर महात्मा राम के द्वारा ऐसा कहे जाने पर लज्जाहीन कैकेयी धृष्ट आत्महितम इदम बचा बचा हुआ, इन लज्जाहीन कैकेयी जो है धृष्टता के साथ यह वाणी कही, क्या कही अभी रहे इस रूप में कि प्रिय काम और प्रियम बक्तु वाणी न से बढ़ते, हे प्रिय राम, तुमको अप्रिय वक्तु माने कहने के लिए अश्य माने इनकी वाणी नहीं है, यानी तुमको कुछ अप्रिय कहने के लिए इनकी यानी राजा दशरथ की वाणी नहीं है, तुमको कोई अप्रिय नहीं कहेंगे, तद अवश्य द्वारा कार्य, तो तुम्हें अवश्य करना चाहिए जो अनेन आस्तम मम, जो इनके द्वारा आस्तम माने प्रतिज्ञा कर ली गई है मुझसे, मुझसे जो इनके द्वारा प्रतिज्ञा कर ली गई है उसे तो अवश्य करना चाहिए। अंतिम है ऐसा मह्यम धर्म दत्वा, अब कह रहे कहते यह पहले मुझे वरदान दे करके मां मत पूजिए, मेरा सम्मान किए, यह मुझे वरदान दे करके मेरा सम्मान किए, असह पश्चात तपते राजा, और वही राजा जो है पश्चात माने बाद में तपते दुखी हो रहे हैं, जथा अन्य प्रकृता सतर्क प्राकृतिक मनता साधारण, जैसे कोई दूसरा साधारण मनुष्य।
वरदान दे करके मेरा पहले सम्मान किए और बाद में जो है जैसे कोई साधारण मनुष्य हो वैसे संगति बन चुकी है। धन्यवाद।